देश की राजनीति में इन दो तस्वीरों ने 2024 का चुनाव तय कर दिया है। दो तस्वीर, दो बड़ी बैठक और दो जगह, लेकिन मिशन सबका एक। और इस मिशन को पूरा करने के लिए अब दोनों पार्टियों ने रास्ता भी एक ही चुन लिया है। पूरी कहानी समझेंगे, लेकिन पहले जरा इन तस्वीरों की अनकही सियासत समझ लेते हैं। पहली तस्वीर बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक की है, जहां दूसरे दिन यानी 18 जुलाई को बैठक में राहुल गांधी की जगह बदल गई और उनकी कुर्सी तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बराबर में लगाई गई। तो वहीं बेंगलुरु से करीब 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी के बराबर वाली कुर्सी पर एआईएडीएमके के महासचिव पलानी स्वामी को जगह मिली। ये दो तस्वीर सियासत की पूरी कहानी कह गई। अब बात इसी की कर लेते हैं। राहुल और पीएम मोदी की ये दो तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे दोनों पार्टियों ने अपने मिशन साउथ के लिए द्रविड़ राजनीति को साधने की कोशिश कर ली है। राहुल के बराबर में बैठे एमके स्टालिन जहां तमिलनाडु के सीएम हैं, तो वहीं पीएम मोदी के बराबर में बैठे पलानी स्वामी तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल के बड़े नेता हैं। तो आइए आपको दोनों पार्टियों के मिशन साउथ के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले बात कांग्रेस की। कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए दक्षिण में पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए दक्षिण भारत की लोकसभा सीटें कितनी अहम है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत दक्षिण भारत से की थी और दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा को जबरदस्त समर्थन भी मिला था। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस तेलंगाना विधानसभा चुनाव और लोकसभा में साउथ में बेहतर प्रदर्शन कर ज्यादा से ज्यादा सीट जीत कर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। तो वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर भारत में जितना शानदार प्रदर्शन कर पाई थी, वैसा प्रदर्शन दक्षिण भारत में नहीं कर पाई थी। इसके साथ ही कर्नाटक चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी को दक्षिण भारत में करारा झटका लगा है, क्योंकि दक्षिण भारत में कर्नाटक ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहां बीजेपी की सरकार थी। दक्षिण भारत में अपनी खोती साख को बचाने के लिए बीजेपी ने मिशन साउथ शुरू किया है। चर्चा है कि पीएम मोदी 2024 का चुनाव तमिलनाडु की किसी लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं। इसके साथ ही नई संसद भवन के उद्घाटन में भी तमिलनाडु के सेंगोल को स्थापित कर बीजेपी ने साउथ को संदेश देने की कोशिश की थी कि पार्टी दक्षिण भारत को कितना अहम मान रही है। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दक्षिण भारत के 5 राज्य कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना की भूमिका काफी अहम हो गई है। इन 5 राज्यों में कुल मिलाकर लोकसभा की 129 सीटें हैं और अगली सरकार के गठन में इन सांसदों की भूमिका काफी अहम रहने वाली है।